प्रयागराज की MPA MLA कोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पहले माफिया अतीक अहमद समेत 3 आरोपियों को दोषी करार दिया है। इसके थोड़ी देर बाद कोर्ट सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जबकि अतीक के भाई अशरफ अहमद समेत 7 आरोपियों को निर्दोष करार दिया है। पूर्व सांसद अतीक अहमद को 2005 में BSP विधायक राजू पाल हत्याकांड मामले में गवाह उमेश पाल के अपहरण के मामले में मंगलवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया है। स्पेशल MPA MLA कोर्ट ने सोमवार को अपने फैसले में पूर्व सांसद और अन्य आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अतीक अहमद समेत 3 आरोपियों पर उम्र कैद की सजा सुनाते हुए उन पर 1-1 लाख का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना उमेश पाल के परिवार वालों को दिया जाएगा। अतीक अहमद को IPC धारा 364A समेत कई धाराओं में दोषी करार दिया गया है, जबकि अतीक अहमद के भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को निर्दोष करार दिया गया है। अतीक समेत 3 आरोपियों को दोषी करार दिए जाने के बाद सुनवाई हुई है। सुनवाई में अभियोजक ने अधिकतम सजा की सिफारिश करते हुए आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग की, जबकि अतीक अहमद के वकील की ओर से माफिया की बीमारी, उम्र और जनप्रतिनिधि होने का हवाला देकर कम सजा की मांग की। इस मामले पर दोनों पक्षों में करीबी 1 घंटे बहस हुई। बसपा विधायक राजू पाल की 25 जनवरी 2005 को हुई हत्या के बाद तत्कालीन जिला पंचायत सदस्य उमेश पाल ने पुलिस को बताया कि वह जस्मदीद था। उमेश ने आरोप लगाया कि जब उसने अतीक अहमद के दबाव से पीछे हटने और झुकने से इनकार कर दिया तो 28 फरवरी 2016 को उसका अपहरण कर लिया गया। अतीक, उसके भाई अशरफ और 4 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ 5 जुलाई 2007 को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले में अदालत में पेश किए गए आरोप पत्र में 21 आरोपियों का जिक्र किया गया है। इस केस में अशरफ अहमद, फरहान जावेद, इसार, आफिस मलिक और अंसार निर्दोष सिद्ध हुए हैं, जबकि एक और आरोपी अंसार की मौत हो चुकी है। बता दें कि अतीक अहमद उमेश पाल हत्याकांड सहित 100 से अधिक अपराधी मामलों में नामजद है।